दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साबका प्रधान परमजीत सिंह सरना उस समय वड्डा झटका लगा जदों उसकी पार्टी के 8 जिते उम्मीदवार ने अपना वखरा फ्रंट बना के श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी समर्थन दिता। इस मौके प्रधान मनजीत सिंह ने मैंबरां नूं सिरोपा दे के सन्मानित किया ते विकास लई दिते जाण वाले फंडां नूं जल्द देण दा ऐलान भी किया। सरना की पार्टी छड 8 मैंबरां ने दोष लगाया कि परमजीत सिंह सरना अकाल तख्त के निर्देशों की हुक्म अदूली करते सन, जिस कारण उन्होंने पार्टी छड्डन लई मजबूर होना पिया। पुराने इतों के साडे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान से, उन्होंने समझाने दी कि श्री अकाल तख्त साहिब जुड़ो, श्री अकाल तख्त साहब के नाल तुसीं मन्नो, उन्हां दी मानता नूं मन्नो, श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश होकर माफ़ी मंगो तुसीं जिहड़ा गुनाह किया है। इन्हां दे पूरा जोर लाउण दे बाद भी जदों इस गल ते नहीं आए, फिर अज 8 मैंबरां ने तय किया इह श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जिहड़ी पार्टी दा नाम सी नूं छड्ड के अपना एक नवां ग्रुप बनाया है, और सानूं इह आश्वासन लैण वास्ते और इह आश्वासन देण वास्ते साडे कोल आए सी कि असीं वी इहनां दा हर तरीके दा समर्थन करिए, क्योंकि लोगों ने इन्हों चुन के भेजा, लोगों ने माण दिता इन्हां नूं, लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए, लोगों दी दुख तकलीफां जिहड़ियां ने उह इन्हां दी अपणियां नहीं, उह दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेवारी बनती आ, साडा फर्ज़ बनता, असीं उह फर्ज़ दी अदायगी करिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं बणे नूं लगभग 45 साल होने वाले ने, और अज तक दे इतिहास के अंदर ही इन्नी वड्डी जित प्राप्त नहीं हुई, जदों सारे मैंबर 51 दे 51 मैंबर एक सोचते होण, एक धड़े दे नाल होण, ये सोचना काम करते हो भी असी सिखां दे वास्ते काम करना है, किसी निजी पार्टी वास्ते किसी निजी सोच वास्ते काम नहीं करना, केवल और केवल दिल्ली की भलाई वास्ते, श्री अकाल तख्त साहिब दे अगे नतमस्तक हो के दिल्ली के लोगों की भलाई वास्ते, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की भलाई वास्ते काम करना है। मैं नहीं समझता कि अज तक पहला कभी भी ऐसा मौका आया हो। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।